दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2024 इंग्लिश का पेपर। इस वीडियो में इस पेपर का सलूशन बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखें, मेरे दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए 2024 इंग्लिश पेपर का सलूशन इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट टू रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेंटेंस आर कंपल्सरी। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कितने नंबर का प्रश्न उसके सामने लिख दिया गया है। शुरू करते हैं सेक्शन ए, रीडिंग अनसीन पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो देखिए, द पर्सन हु वर्कड इन द माइंस वेयर मेनली क्रिमिनल्स आर प्रिजनर्स ऑफ वार, बट विथ दोज देयर वेयर मेनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली हु वेयर द इनोसेंट। वो इनोसेंट थे, निर्दोष थे, विक्टिम्स निर्दोष थे लेकिन पीड़ित थे ऑफ द एम्परर वेत, यानी साम्राज्य के क्रोध का। वो क्या थे, यानी जो माइंस में काम करने वाले थे वो क्रिमिनल्स थे या प्रिजनर्स से कैदी थे। बट ऑफ वार के क्या थे, जो युद्ध हुआ था उसके या तो क्रिमिनल थे या तो कैदी थे। लेकिन बट विथ दोज देयर वेयर मेनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली, कि उसमें कुछ ऐसे रोमन्स थे जो अच्छे परिवार से थे। हु वेयर द इनोसेंट, वह निर्दोष थे लेकिन वो साम्राज्य के क्रोध के शिकार थे। ऑल एली वेयर फोर्स्ड टू लेबर, उनको फोर्स्ड किया जाता था, जबरदस्ती कराया जाता था विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ, यानी महिला है या पुरुष है, उनका जन्म कैसे हुआ कहाँ हुआ इस आधार पर भी वहाँ कोई रियायत नहीं थी। द लेबरर्स वेयर अंडर द आई ऑफ द मर्सीलेस ओवरसियर, यानी वो किसके अंडर में रहते थे, मर्सीलेस, जिनके पास निर्दयी पर्यवेक्षक के अंडर रहते थे। हु सोव्ड ब्लोस अपॉन देम एट द स्लाइटेड प्रोवोकेशन इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस। नो क्लोथ्स वेयर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स एंड ऑब्टेन दे पासिस्ट नॉट ए रेग टू हाइड देयर नेक्डनेस, यानी वो नंगे रहते थे। इन गुड आर बैड हेल्थ दे वेयर फोर्स्ड टू वर्क, उनका स्वास्थ्य अच्छा है कि खराब है फिर भी उनसे काम कराया जाता था। एंड नाइदर टू वीकनेस ऑफ एज नॉर द, यानी वो वीकनेस हैं, एज कितनी है फिर भी कोई परवाह नहीं किया जाता। नॉर द फीवर आर सिकनेस वाज रिगार्डेड एज प्रॉपर काज फॉर द आइडलनेस इवन ऑफ एन आवर, नार वाज देयर एनी चांस टू स्केप फॉर सेंट्रीज वेयर पोस्टेड ऑन इवरी हिल टॉप एंड द सोल्जर्स वेयर रेडी टू गिव चेस शुड ए मैन इंक्लूड टू द वॉचमैन सो ग्रेट वेयर द सफरिंग ऑफ लाइफ दैट डेथ वॉज हेल्ड विथ जॉय, यानी वो मौत को खुशी से गले लगाना चाहते थे। एंड इट वॉज द डाइंग मैन हु पोसेस्ड ए सिंगल थाट ऑफ हैप्पीनेस। तो देखिए ये पैसेज है, इस पर आधारित प्रश्न है जिनका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। पहला है हु वेयर द विक्टिम ऑफ द एम्परर्स व्रेथ, यानी कौन पीड़ित थे साम्राज्य के क्रोध का। तो देखिए इसका आंसर होगा इसी में, यहाँ पर है गुड, तो आप लिख सकते हैं रोमन्स ऑफ, ये इसका आंसर होगा, यहाँ से यहाँ तक रोमन्स ऑफ गुड फैमिली, ये इसका आंसर होगा, रोमन्स ऑफ गुड फैमिली, ये इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए दूसरा इसका जो बी वाला है, ये वाला तो हुआ बी वाला। देखिए
All Ely were forced to labor without distinction of sex or birth. Birth. Who do you means by this statement? तो इसका आंसर होगा it means It means all people including men, ये वाला B वाला कैंसर चल रहा है, men, women and children. इसका आंसर होगा अगला है C. Why were clothes not provided for the prisoners? Prisoners को कपड़े क्यों नहीं दिए जाते थे? तो इसका आंसर है खर्चे को कम करना, टू कीप, उसी में है, हम लिख दे रहे हैं टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस, यानी खर्चों को कम करने के लिए उनको कपड़े नहीं दिए जाते थे। डी वाला है वाई वाज द डेथ हेल्ड विथ जॉय, इसका आंसर भी उसी में हम लिख दे रहे हैं यहां पर आपको, द सफरिंग ऑफ लाइफ, यानी उनका जीवन जो कष्ट में था, वेरी ग्रेट, therefore death held with joy। ठीक, अगला है डी हो गया, ये ई का देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एंगर, तो उसमें आप देखेंगे एक शब्द है व्रेथ, देखेंगे तो एक शब्द है व्रेथ, यही इसका आंसर होगा ई का पहला। दूसरा है एक्सप्लेन सोवर्ड ब्लोस एज यूज्ड इन द पैसेस, तो इसका है पनिशमेंट गिवन टू द लेबरर्स, पनिशमेंट गिवन टू द लेबर्स लेबरर्स यानी। अगला है तीसरा, इसमें है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सैडनेस, तो इसका है सैडनेस माने दुखी, तो हैप्पीनेस लिख सकते हैं, हैप्पीनेस उसमें है, उसी में से खोजना हैप्पीनेस है, यदि हम पेज को पलटेंगे तो उसमें हैप्पीनेस है। तो ये पहले के प्रश्न के आंसर हुए। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर के सेक्शन बी, राइटिंग, राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट वर्ड्स, 100 से 150 शब्दों में, द सिटी लाइफ, नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ए जर्नी टू द हिस्टोरिकल प्लेस, इस पर क्या लिखना था, आर्टिकल लिखना था 10 नंबर का, इसमें से तीनों में से एक पर, तो ये लंबा हो जाएगा बताने में, आप लिख सकते हैं। ये दूसरा है सपोज यू आर शिवा, राइट ए लेटर टू द न्यूज़ एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी आप शिवा बनकर द टाइम्स ऑफ इंडिया को क्या करना है, लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, आपके लोकेलिटी में जो खराब पानी का सप्लाई हो रहा है उसके बारे में, या तो ये राइट ए लेटर टू लाइब्रेरियन
write a letter to the librarian of your college requesting him to bring some more magazine means mint of competitive examination. ये 10 नंबर का. अब आते हैं सेक्शन सी पर, ग्रामर पोर्शन पर. देखिए दो दो नंबर का एक है और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. ए स्टेट वेयर आर रिलीजियस आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड द इज कॉल्ड द स्टेट वेयर आर रिलीजियस आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड. इसका सही आंसर है थियोक्रेसी, धर्मतंत्र. ठीक है ना. तीसरा है, इसका तीसरा आंसर सही है. अगला है द फ्रेश फॉल फ्लैट मींस. ठीक, द फ्रेश फॉल फ्लैट मींस, तो इसका सही उत्तर है To fail to produce the effect that somebody wants. इसका भी तीसरा ही है. अगला है the synonyms of illustrious. ठीक है, इसका पर्यायवाची बताना है तो शानदार होता है, renowned. ये है ये renowned, renowned. ये आपका दूसरा है इसका. अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर, तो देखिए इसका सही, डी का सही आंसर. विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट. कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. आई नो दैट बॉय हुम यू टेक टीच. आई नो द बॉय हुम यू टीच. आई बॉट ए बुक बट विच I did not like. Each of them got their way pay. Much books should not be read. तो सही विकल्प इसका पहला ही सही है, D का पहला. और ये है the antonyms of expedite. इसका expedite का antonym खोजना है, यानी इसका अर्थ होता है शीघ्र और इसका हमें डिले. ठीक है, तो चौथा इसका आंसर है. अब देखिए यहाँ पर क्या है, पांचवा का ए बी सी डी और ई. तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें पांचवा का चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. तो देखिए द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव ओन द मैच. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है. तो पहले पांचवा का पहला द बॉय exclaimed the boy exclaimed with joy that they had They had won the match. CH होगा मैच. दूसरा भी बता दे रहे हैं आपको. The doctor said to the patient, "Why did you not come to me earlier?" The doctor said, The doctor asked the patient why
ही हैड नाट, वाई ही हैड नाट कम टू हिम अर्लियर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। अब देखिए बी, बी है कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, माने जो दिया है यानी कंबाइंड करना है, जोड़ना है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड जैसे बताया गया है, यानी मिस्टर गीता सोल्ड हर बिग हाउस, सी गॉट 20 लाख्स फॉर इट। सिंपल सेंटेंस में इसको हमें कंबाइंड करना है। तो देखिए और दूसरा है डू नॉट बी ए बोरोवर, डू नॉट बी लेंडर कंपाउंड सेंटेंस में। तो पहला बी का पहला देखिए, मिस्टर मिसेस गीता गीता सोल्ड हर बिग हाउस फॉर 20 लाख। ठीक, दूसरा है डू नॉट बी बोरोवर, तो देखिए इसका आंसर नाइदर नाइदर बी बोरोवर नार बी ए लेंडर लेंडर। ये हुआ दूसरे का। अब आते हैं सी पर, तो देखिए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया वैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया पॉजिटिव डिग्री में, और यह है दिस इज द लेम एक्सक्यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो देखिए सी का पहला वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया आर एज पॉपुलर पॉपुलर एस कबड्डी। दूसरा करना एक ही है लेकिन हम हल करा दे रहे हैं दोनों। अगला है दिस इज द लेम एक्सक्यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करना है। तो देखिए व्हाट ए लेम एक्सक्यूज इट इज ठीक। अब इसमें आ गया करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दिस मैन इज बेंट इन द इन डूइंग मिसचिप्स चिप्स, तो बेंट अपान रहेगा। ठीक है, बेंट यहां अपान हो जाएगा, बेंट अपान दिस मैन इज बेंट अपान हो जाएगा। ठीक, बेंट इन की जगह अपान हो जाएगा। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी तो ये देयर की जगह रहेगा इट्स ड्यूटी। ठीक, ये करेक्ट है इसका। ईच डे एंड ईच आवर्स ब्रिंग इट्स ड्यूटी, ठीक है, ये नहीं रहेगा।
देयर की जगह इट्स हो जाएगा, बस बाकी इसकी जगह इट्स हो जाएगा, ड्यूटी हमने लिख ही दिया, इन की जगह पान हो जाएगा। अब देखिए यहां पर है यहां पर यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। तो देखिए हम पहले तो इनका अर्थ बता दें, रेज माने क्रोध होता है, रेज माने क्रोध, और इस रेज माने होता है नष्ट करना, इस रेज का अर्थ होता है नष्ट करना, नष्ट करना। और यहां दूसरे में देखिए नजर, साइट, साइट है ना, इसका अर्थ होता है दृष्टि या नजर, और इस साइट का अर्थ होता है साइट, इस साइट का अर्थ होता है बताना, एग्जाम्पल बताना, ठीक। तो इस प्रकार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इन ए फिट ऑफ रेग ही बीट हिज ब्रदर, ठीक। और रेस को हम लिख सकते हैं मैनी ट्राउजर्स टावर्स वेयर रेस टू द ग्राउंड, ठीक। मैनी टावर्स वेयर रेस्ट, गिरा दिए गए, नष्ट कर देंगे टू द ग्राउंड में। साइट, ए ब्लाइंड पर्सन हैज नो साइट, ए ब्लाइंड पर्सन हैज नो साइट, इसका अर्थ जाने रहे बताना। सी सिटीज ऑफ फेवराइट पर्सन, ठीक। तो ये हुआ इन सब का अर्थ। अब ये ट्रांसलेट तो आप अपने से कर सकते हैं, हम लेकर चलेंगे आपको अगले। तो यहाँ पर इन सब का आंसर आप लिख सकते हैं, सेकंड लिटरेचर सेक्शन डी लिटरेचर, इसमें से कई जवाब देना था, तो आप समझ ही सकते हैं अपने बुक से देख लीजिएगा। आठवां नवा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली, इस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना, एक दो तीन इसी में से। और यहाँ पर है राइट द सेंट्रल आइडिया, इनका सेंट्रल आइडिया लिखना था। और यहाँ पर है आंसर देना है चार चार नंबर, चार नंबर का ये, चार नंबर का बी, या। और यहाँ पर सात नंबर का आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। नमस्कार।